इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 पास द स्टेटमेंट, इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं, और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था 1969, और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी होगी जैसे आप और मैं अभी पत्या और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं। माय डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor.